हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल का भरता, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा परवल का भरता हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाना सीखेंगे। परवल का भरता बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 9 से 10 परवल लिया है। ये वेट में 200 ग्राम के आसपास है, 2 से 250 ग्राम के आसपास। और हम सारे परवल को चाकू की मदद से इस प्रकार से चीरा लगा देंगे ताकि ये पकने के बाद हमारे चेहरे पे या हमारे शरीर पे उड़ के ना पड़े, नहीं तो ये फटके उड़ने लगता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम चीरा ज़रूर लगाएंगे इसमें ताकि ये आराम से पक जाए। इसे पकाने के लिए हमने एक जाली लिया है, पकाने वाला जाली। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस पर भी पका सकते हैं, तो इसे हम जाली पे रख दिया है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे धीरे धीरे करके। ज़्यादा तेज फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारा बीच में परवल जो है कच्चा रह जाएगा। तो हमने इन सारे परवल को लगभग 15 से 20 मिनट में पका लिया है। तो ये देखिए हमारा परवल पक के तैयार है फ्रेंड्स। हम देख लेंगे कि हमारा चारों तरफ से पका है कि नहीं परवल। तो हमारा परवल पक के फाइनली तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसका जो जला हुआ भाग है ऊपर से छिलके का, उसे निकाल देंगे ताकि ये खाने में टेस्टी लगे, क्योंकि छिलके मुंह में जाएंगे तो फिर उसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो इसीलिए अच्छी तरीके से हम इसे निकाल देंगे जले हुए भाग को। सारे परवल को हम निकाल लेंगे और देखिए इस प्रकार से साफ़ कर लेंगे इसके छिलके को। बिल्कुल जले हुए भाग को निकाल देना है। और इस प्रकार से हम परवल के ऊपर और नीचे के हिस्से को निकाल लेंगे। इसका जो डंठल होगा उसे निकाल लेंगे हम और सारे परवल का हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसको भुनेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं। ये लगभग हमने 1.5 चम्मच के आसपास डाला है इसमें। अब हम इसमें आधी चम्मच के आसपास जीरा ऐड करेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां को हमने बारीक चॉप किया है। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्च को हमने, एक मिर्च को 4 भागों में काटा है। तो इसे 10 से 15 सेकंड तक पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज फ्रेंड्स हमने जितना परवल लिया है लगभग वेट में उसी के बराबर, तो हमने 200 ग्राम के आसपास, 2 से 250 ग्राम के आसपास प्याज भी लिया है। तो हमारा पटल भी लगभग 250 ग्राम के आसपास था, तो हमने प्याज भी 250 ग्राम के आसपास लिया है। और अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। और इन सब को, प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल इसे हल्का ब्राउन करना है। तो हमारा प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने फ्रेंड्स आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो हम इसमें ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं। सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये परवल का भरता बनेगा। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से बनाया तो हम इसमें ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं।
तो ये हमारा लगभग भुन चुका है सारा मसाला। तो अब हम इसमें अपना परवल ऐड करेंगे सारा। परवल को हमने जो छील के रखा था उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और इसे कलछू की मदद से इसको मैश करेंगे। मैश करते हुए चलाते रहेंगे इसे। इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे, ज़्यादा नहीं इसे पकाना है क्योंकि ये हमारा परवल पहले ही पक चुका है। तो कलछू की मदद से हमने मैश करते हुए लगभग सभी को अच्छे से मैश कर लिया है। तो ये परवल का जो भरता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इस परवल के भरते का मज़ा लेंगे। एक बार इस प्रकार से आप बना के देखें, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। तो फाइनली हमारा बैंगन भरता बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा परवल का भरता बनके तैयार है फ्रेंड्स। इसे हम सर्व के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार का इसका जो टेक्सचर है ये कि बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ या चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स रेसिपी है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।